क्लॉट है। अगर ब्लीडिंग हो गई तो हमेशा अल्ट्रासाउंड कराना है फॉर रिट्रो प्लेसेंटल क्लॉट। अगर रिट्रो प्लेसेंटल क्लॉट है मतलब कि जहाँ पे प्लेसेंटा है ना, ये प्लेसेंटा है, यहाँ और मदर के बीच में यहाँ ब्लीडिंग हो गई, और एस्पिरिन जिनकी शुरू होती है ना, सबसे पहले एस्पिरिन बंद करनी है। अब उसको रेस्ट बोला मैंने, क्योंकि ये जगह बढ़ती जाती है, 4-5 दिन हो गए, उतने का उतना ही, जब छोटा होने लगेगा तब भेजूँगी घर। ये मतलब कम से कम 6 महीने बाद हमने एडमिट किया, तो इसके कैथेटर डाल के रखा है, यूरिन भी उठना नहीं है इसने। अगर ये उठ गई, यूरिन पास करके आ गई, तो बॉडी को क्या पता कि अभी तो खाली भी ज़रूरी काम से गई थी, और अगर फुलके बनाने गई तो उसको नुकसान होएगा, और यूरिन गई तो नुकसान नहीं होगा, ऐसे हो सकता है क्या? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ये जो लोग अभी हम बता रहे हैं, जिनको रेस्ट बताया है, तो जिनको रेस्ट बताया है उनका शुगर भी बढ़ने के चांस है, तो उनको एक अपना शुगर ग्लूकोमीटर खरीदना है। सबको अपना ग्लूकोमीटर खरीदना है, स्पेशली जिनको रेस्ट बताया है। एक वेइंग मशीन खरीदनी है, पल्स ऑक्सीमीटर खरीदना है, और एक क्या बीपी इंस्ट्रूमेंट, और क्या क्या फेंकना है, शुगर फेंक देनी है, ऑयल घर से फेंक देना है, और सॉल्ट फेंक देना है, बस थोड़ा बहुत काला नमक पड़ा रहे, कभी कभी बहुत पसीना आ गया तो खा लिया। आयोडीन का नहीं सोचो, जो हमने अभी डाइट बताई है, जब हमारा ये 5 कलर का सैलेड होगा, पहले स्प्राउट्स रखे थे हमने, अभी दिखाई है पिछली वीडियो में, फिर चुकंदर, यहाँ पे टमाटर थे है ना, फिर खीरा, प्याज, नींबू, ये सब, आंवला भी रख सकते हैं कद्दूकस करके, इसमें आंवला मिला दो कद्दूकस करके स्प्राउट्स में, फिर खट्टी मीठी चटनी। ये सब खा लिया आपने तो हाँ, ये एक्सरसाइज जिनको रेस्ट बताया, पैर ऊपर, जिनके वेरिकोस वेन है, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं वेरिकोस वेन है, अगर है तो इसको खड़ा नहीं हो जाएगा ऐसे, कितने सुंदर, कितना सुंदर, देखो आपसे होगा अभी करके देखना, और नीचे लग जाए तो और मज़ा। पहले कितना होता था, पहले कितना होता था, पहले पहले कितना होता था, हाँ यही डिलीवरी टाइम होता है। हाय मेरी नस चढ़ गई, हाय मेरी नस चढ़, उधर से बेबी आ रहा है, इतना इंपॉर्टेंट काम आ रहा है, तुम्हारी नस ही चढ़ गई। नस चढ़ जाती है जिनकी अभी भी, तो उनको ऑप्टीन्यूरोन B12 भी लगवाना है, ये लगवाना है हर हफ्ते। एक धनिया पुदीना तो खाना ही है, विटामिन के उसी में होता है, धनिया पुदीने में विटामिन के बहुत होता है, लेकिन एक मीट वेल का टैबलेट भी होती है, ये खरीद लो, और एग में होता है हमारा, एग में B12 होता है, नस चढ़ जाती है, B12 की कमी होती है वेजिटेरियन डाइट में, इसलिए बता रही हूँ। तो ये हमारा हो गया B12 का, और इन विटामिन डी तो होता ही है कम, वो तो सभी ने लगवाना है, अगर HB कम है तो भी लगवाना है ये B12। इंजेक्शन रेड कलर से लिखती हूँ कि उसको खरीदना नहीं आपने, ये तो एक ही खरीदना है, साल में एक लगता है विटामिन डी के लिए। और जो हमारा आंवला बीट रूट है, आंवला बीट रूट, कैरेट, पहले जितना, जब ये ABC जूस होता है, विटामिन ABC चलाता है, कैरेट में विटामिन ए होता है, इसमें बीट रूट में बी, और इसमें सी, समझ लो, मतलब बीट रूट में सब कुछ होता है, आंवला में सब कुछ होता है, विटामिन ए कैरेट में, पीली चीज़ों में होता है। नहीं, मुझे एक चीज़ बतानी है, पहले कितना होता था और अब कितना हो रहा है, उससे हमारे बेबी को क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले, अब इससे 2 महीने पहले कितना, नहीं दोनों पैर करके देखो कितना होता था, अंदाजे से बता दो, नहीं भी नहीं, फिर भी अगर करते तो, जितना एक से खुलता था उसको डिवाइड कर लो दोनों, इतना होता था। तो अगर मैं देखूँ तो हमारे बेबी को अगर पहले इतनी जगह मिलती तो अब हमारे बेबी को इतनी जगह मिलेगी निकलने में, तो वो क्यों दबेगा, क्यों, तो उसके अब कितनी जगह मिलेगी, कोई जगह ही नहीं की कमी है, ये जॉइंट हमारे परमानेंट कुछ ढीला नहीं हो रहा। आप हाथ घुमाओ ऐसे, अगर आप पूरा घुमाते हो तो हाथ ढीला थोड़ी हो रहा है ना, ये तो जॉइंट है, गोल है, गोल जैसे बॉल एंड सॉकेट होता है उसमें घूमता है, जैसे हम
कोई चीज़ भी घुमाते हैं, मान लो गन्ना जब जूस निकालते हैं तो वो घुमाते हैं, तो कुछ ढीला थोड़ी, जैसी चीज़ बनाई है उस हिसाब से वो पूरा काम करता है। और ये एंकल वेट हाथ में पहनाओ, हाथ में पहन के करना है, एंकल वेट हाथ में पहना के दोनों इससे एक्सरसाइज करो। जिनको रेस्ट बताया है ज़्यादा, तो अब उनको ही बताना है मुझे, क्योंकि वो बहुत सारी 90% पॉपुलेशन को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को रेस्ट ही बताया है। अब वो बेचारे फंस गए, जितना मर्जी समझा दो तुम्हारा नुकसान होगा, समझ ही नहीं आता कि हो जाएगा, वो सोचती है मेरा नुकसान होगा, लेकिन बच्चे का उससे भी ज़्यादा नुकसान है। अगर आपके शुगर बढ़ गई तो ये पहला वाला पेज कहाँ गया जिसमें सारा सामान लिखा, ये खरीद लो। और ये चीज़ें, अगर शुगर बढ़ गई, एस्प्रिन अगर ब्लीडिंग हो गई बंद करनी है, और ये चार चीज़ें खरीदो, आपका शुगर फास्टिंग 95 होना चाहिए और पीपी 126। और बहुत लोगों का जो हमारी डाइट है, डाइट चार्ट दिखाना, जो हमारी डाइट है ये खा के और बाकी सारा बंद करके, कोई न्यूट्रिशन कमी नहीं होगी, बाल अच्छे होते जाएंगे। नहीं, मैंने जब वेट कम करने के लिए किया था, मुझे वीकनेस आती थी, बड़ा कॉमन जवाब है। तो वेट कम करने के लिए हम खाना कम नहीं कर रहे, हम जो हमेशा खा रहे हैं वो छोड़ के, जो नहीं खा रहे, जो मिस हो रहा था वो खा रहे हैं। आपको और भी चमक आएगी, और भी सुंदर बॉडी होती जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसमें सब कुछ आ जाता है। एग नहीं है बस इसमें, है ना, एग और डाल दो, दो एग खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं थोड़ी सी, फिश की तरी और जो उसकी क्या होता है, तरी क्यों बनाते हैं, मतलब थोड़े से नॉन वेज के पीसीज हैं और ज़्यादा लोग खाने वाले हैं, फुल्का खाना है हमें, तो हम तरी से भी खा सकते हैं, खाली पीस से तो खाया भी नहीं जाता, तो तरी ही फुल्का खाने के लिए है और नॉन वेज आपको प्रोटीन के लिए है। तो वो है। लेकिन जो हमारी वेजिटेरियन चीज़ें हैं इनमें तो प्रोटीन है भी नहीं, इसको तो ऐसे ही बनाओ, सब्जियों को सिर्फ ऐसे ही बनाना है, उसमें कुछ नहीं, घी जीरा डाला जैसे चाइनीज़ बनाते हैं या जैसे साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन खाना ही गलत तरीका है, वो तो नॉन वेज बनाने का तरीका है खाना बनाने का, कि उसको बेस्वादी चीज़ को इतना स्वाद बनाना है हमने। अब मान लो एग करी बना रहे हो, उसमें तरी बना लो ज़्यादा से ज़्यादा, पनीर थोड़ा है खाने वाले ज़्यादा हैं, तरी बना के खिला दो प्याज टमाटर से, समझिए ढाबे वालों के लिए अच्छा है, कभी ढाबा खोलोगे तो काम आएगा ही, आप सीख लो। उसमें बादाम काजू डालो अगर डालना है तरी में, तो खाली प्याज तो कच्चा ही खाना चाहिए, घी तो खाना ही नहीं आजकल, और खाना है तो वो भी जब बन गई सब्जी तब डालना होता था, पहले कोई नहीं डालता था ऐसे कि पहले ही डाल दिया, जीरा भी जला दिया, हल्दी भी जला दी, प्याज भी जला दी। प्याज बहुत लोग ऐसे भी बनाते हैं सूप की तरह, दाल को प्याज टमाटर सारा पीस के ऐसे डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं जैसे सूप में डालते हैं, वो भी ठीक है। और उसको गाढ़ी, ये एक्सरसाइज, ये लेवल टू एक्सरसाइज, अब जिनको रेस्ट नहीं बताया है ना, ऊपर देखना है गर्दन के लिए, तो जब तक आपको रेस्ट बताया है तो गर्दन की, अपर बॉडी की कर लो, हाथ ऊपर ही रखने हैं और गर्दन पूरी खोलनी, क्योंकि सारा दिन आजकल आगे रहती है तो पीछे भी होनी चाहिए। और ये पूरे खोलो पहले, ये अलग एक्सरसाइज है कि हमारे जितने खुले आगे रख के हैं, हाँ ये अलग है, ऊपर उठने वाली बाद में, जब इससे थक जाओ तब ऊपर उठने वाली। इसमें हमारे दोनों पैर खुल रहे हैं ऐसे, तो ये अपने वजन से ही ये एरिया हमारा बढ़ता चला जाएगा, जितने ये ज़्यादा खुलेंगे उतना। सेम चीज़ है, हमें अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जब लेट के ये एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इतना मज़ा आता है सुन के कि मैंने सब कुछ किया मेरी नॉर्मल हुई, पिछली बार 3 किलो का बेबी हो गया नॉर्मल, 4 का हो गया, पिछली बार ये सब पता नहीं था, दिक्कत हुई थी, इस बार कोई ना फोर्सअप लगे ना वैक्यूम लगा। तो आप जाओगे, जाते डिलीवरी हो जाएगी, कोई कुछ गलत कर ही नहीं पाएगा जब आप चिल्लाओगे ही नहीं, तो आपको धड़कन आजकल सुनी रही होती है, ठीक है। हाँ, ये ऐसे अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो इकट्ठा करो, ऐसे इतनी जगह में से बेबी को निकलना पड़ेगा, तो हमारा गोला इतना बनेगा, नीचे आना बस, नीचे आओ खाली जगह पे, तो हमारा गोला इतना बनेगा, और जो एक्सरसाइज करेंगे उनका गोला इतना बनेगा, है ना, तो हमारे बेबी को इतनी जगह ज़्यादा मिलेगी, बड़ा सर भी निकल आएगा। अभी हमारी डिलीवरी हुई 4 किलो की, अपने आप हुई, कोई हमने कुछ नहीं किया ना उसके लिए, हम थोड़ी एफर्ट करते हैं कि हाँ जी हो जाए, ना ही हम इच्छा करते हैं, जब तक ठीक चलता है बस टाइम लेते हैं, एक रात ज़रूर लगती है। चलो ऐसे चलना, ऐसे तुम लोग मन कर, ऐसे गोलाई में चलना, सब जने रेल बनाते ना बच्चे लोग, ये चलना भी एक्सरसाइज है, जिनको रेस्ट बताया है ऐसे चलो, अभी आइडिया आया मुझे,
हाँ ऐसे गोले गोले में चलो, जिनको रेस्ट बताया है ऐसे चलो। अगर अब तो कोई जोर नहीं ना, हमारा यूट्रस ऊपर चला गया। ये नई एक्सरसाइज बन गई आज है, बेबी की तरह क्रॉल करो, वेरी गुड, है ना, उसमें जान नहीं होती तो वो क्रॉल करता है ना अभी खड़े होने की। तो इसमें आपके हाथ तो कम से कम एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप विदाउट स्लीव कभी मन करे तो पहनो, तो ये तो ना लगे हाँ हाथ अच्छे नहीं लग रहे और हाथों में ताकत भी नहीं हो। सर्वाइकल लड़कों के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये एंकल वेट बांध के एक्सरसाइज, हस्बैंड के लिए भी लेके आओ। ये दो पेयर खरीदो, ऑनलाइन आ जाते हैं, डेकाथलॉन है ना उसके मिल जाते हैं हाफ के जी के, लड़कों के लिए तो 1 kg चाहिए। चलो बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे, म्यूज़िक चला लो और वो कर लो म्यूज़िकल चेयर, हाँ ऐसे उठना है। बाकी एक्सरसाइज के लिए पिछली वीडियोस देखो, आगे अब गाना गाना है सबने, गाना बच्चा सुनता है। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करनी वॉक, अच्छा बेल्ट पहन के, बेल्ट दिखाना जिनको रेस्ट बताया, बेल्ट चली गई हमारी, लेकिन उसकी डिब्बी तो होगी, डिब्बी भी चली गई। एक होती है प्रेगनेंसी सपोर्ट बेल्ट, चुन्नी की भी बना सकते हैं, है ना, ये मीडियम लार्ज आती है तो केमिस्ट शॉप्स पे मिल जाती है। चुन्नी की कैसे बनाओगे, चुन्नी की कैसे बनाओगे, पेट जिसका दिख रहा है, अगर किसी को वैसे भी नहीं भी रेस्ट बताया और प्लेसेंटा लो सबका आता है और सबके, हाँ कल इतने परेशान हम सारी रात में तो रोती रही, उसके बच्चे के हार्ट में एक स्पॉट आ गया, किसी के किडनी में स्पॉट आ जाता है, किसी के ब्रेन में आ जाता है वेंट्रिकल, तो अभी तो बन रहा है ये प्रेगनेंसी सपोर्ट, कितनी सुंदर, ऐसे बांध के अपना चलना है। तो हमने यूट्रस ऊपर कर दिया, यूट्रस पे नीचे प्रेशर ही नहीं पड़ा, है ना, और फिर उसके बाद चलते रहो, कपड़ों के नीचे पहनो ऊपर पहनो, दोनों तरह से सुंदर लग रहा है। घर में चलते रहो, घर में कैसे चलोगे, सामने जाके दीवार को धक्का देना है, ऐसे फटाफट घर में चलना है, हर खाने के हाँ जोर से दगा, जोर से, जैसे कोई खुल नहीं रहा तो हम करते हैं वैसे, हाँ शोल्डर की गर्दन की भी होगी और इससे चक्कर नहीं आएगा, ऐसे गोल गोल घर में थोड़ी जगह में घूमने से चक्कर आ जाता है, हाँ ठीक है। अब जिनको रेस्ट, एक चीज़ और आ गई, तो वेंट्रिक जब हमारा ना जैसे ब्रेन बन रहा है दोनों तरफ से, अब बीच में कोई कोई खाली जगह होती है, दोनों तरफ से बनता है, जैसे पेड़ की जड़ बनती है ना, तो बाद में तो क्या होता है गमला एकदम खटाखट खचाखच भर जाता है, अगर निकालो तो जितना गमले का साइज है उतना ही इसकी रूट्स का साइज होता है, लेकिन पहले अगर हम निकालेंगे आधे टाइम पे तब तो ये खाली जगह बीच में मिलेगी। तो ऐसे बीच बीच में वेंट्रिकल दिखते हैं, उनको फॉलोअप करना होता है, टेंशन नहीं करनी, बोल दिया आपको 4 हफ्ते बाद कराना है, आप 4 हफ्ते बाद करा लो, 6 हफ्ते बाद करा लो, ना उसका कुछ हमने ट्रीटमेंट करना है, ना उसका कोई हमने प्रोसीजर करना है, उसका कुछ कर ही नहीं, ना करना ही नहीं है। बेबी के तो डेवलपमेंट डिलीवरी के बाद भी होती चलती, 6 महीने तक अभी ब्रेन डेवलप करेगा, तो उस वक्त तक इसीलिए माँ का दूध पिलाना ज़रूरी होता है, माँ का दूध ब्रेन में जाता है। ऐसे ही किडनी है, अब ये किडनी है, इसमें ये बन रही हैं ब्लड वेसल्स बन रही हैं, है ना, अब ये कहीं कहीं खाली होगा, यहाँ पे सिस्ट दिखाई देगी, तो कुछ नहीं नॉर्मल है, हमने कौन से इसके लिए कुछ करना है, मतलब तो ये होता है कोई मेजर चीज़ है कि हमने इस बच्चे को रख नहीं सकते, वो तो लेवल 2 से पहले ही पता चल जाता है, जब एंटी स्कैन करते हैं तभी पता चल जाता है कि डाउन सिंड्रोम नहीं है। एक डाउन सिंड्रोम के लिए इतने सब कुछ हो रहा है कि एक डाउन सिंड्रोम होता है जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जो बहुत बड़ी एबनॉर्मेलिटी वो तो अबॉर्ट खुद ही कर जाते हैं, वो तो 6 वीक्स पे ही कर जाते हैं, जो उससे छोटी होती है वो 7 वीक पे कर जाते हैं, जिनका हार्ट वार्ट नहीं बनता, धड़कन नहीं आती है, वो एबनॉर्मल होते हैं, उनका भी कोई ऐसा नहीं है दुख की मनाने की बात है कि एबनॉर्मल फीटस था उसने नहीं ग्रो किया। अब कोई कोई एबनॉर्मलिटी इतनी छोटी होती है, जैसे होठ कटा हुआ है इतनी छोटी, वो ग्रो कर जाती है, या डाउन सिंड्रोम है वो ग्रो कर जाता है, क्योंकि बॉडीली वो सब कुछ सही है, उसका सब कुछ सही जा रहा है, वो जेनेटिक होता है कि जेनेटिक जब कॉन्फ़िगरेशन हुई उसमें बहुत थोड़ा सा, मतलब अगर 1 लाख कनेक्शंस थे तो उसमें से कोई एक कनेक्शन गलत हो गया तो वो बन जाता है, लेकिन उसको मेंटली इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, चलता फिरता है, खाता पीता है, सब कुछ करता है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो मैथमेटिकल काम नहीं कर पाता है।
तो उसको डिटेक्ट करते हैं, तो अगर निकलता है तो अबॉर्ट करना है। तो जब ये छोटी छोटी बातें जानने का तो कोई फ़ायदा नहीं, इसके लिए तो हमने कोई डिसीजन मेजर लेना नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो इनको जानने का, और मशीनें इतनी अच्छी आ गई हैं कि छोटे छोटे स्पॉट भी बता दे। एक आज था कैल्सिफिकेशन, बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कैल्सिफिकेशन तो नॉर्मल चीज़ है, कैल्शियम तो हर जगह ही होता है, हर ब्लड वेसल्स में होता है, और कोई ज़रूरी नहीं है बताने वाले को पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है। सबसे मैं अननेसेसरी सोचती हूँ एस्पिरिन शुरू हो जाती है, जगह जगह ब्लीडिंग हो जाती है जो दिखाई देती है। एस्पिरिन 75 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं खानी, उसकी फुल डोज जब तक एपला पॉजिटिव नहीं आए। तो ऐसी इतनी प्रॉब्लम्स ना थी ही नहीं, अभी कोविड से पहले भी नहीं थी इतनी प्रॉब्लम। कोविड में एकदम से लोगों ने इन्वेस्टिगेशन ही कराए, पास दूर से देखा पेशेंट को और ये सारी चीज़ें पता चल गई कि बस अल्ट्रासाउंड से ही ट्रीटमेंट करना है। अपना पेट पे हाथ भी नहीं रख के देखने की ज़रूरत है, बेबी छोटा है बड़ा, अल्ट्रासाउंड वाले ने चाहे जितना मर्जी बड़ा पेट दिख रहा है उसका, दिख रहा है हमें हाथ रखते आगे। हाथ हमारे इतने सेंसिटिव होते हैं कि बस हाथ रखा और साइज़ बता लो, पूछ लो कितना वेट होगा इसका। आपको लिटाया, पेट पे हाथ रखा, दबाया, देखा, अम्ब्लाइकस तक है तो 24 वीक है, लेकिन जिनकी हाइट ज़्यादा है उनका अम्ब्लाइकस तक नहीं आएगा। तो वह तो कॉमन सेंस से पता चल जाता है, एक तरबूज हम उठाएंगे तो हमें पता चल जाएगा ना ये कितना साइज़ है इसका, कितने का होगा, ये 2 किलो का होगा, 1 किलो का, वैसे ही समझ आ जाता है। लेकिन अब जब कोविड में अल्ट्रासाउंड पे ट्रीटमेंट होने लगा, हाथ लगाना बंद कर दिया, अब भूल ही गए कि वापस आ जाए भी जैसे पहले देखते थे। तो ये अल्ट्रासाउंड वो कोई 10,000 में से एक के हार्ट पंप नहीं कर रहा होगा, वो देखने के लिए है। फिर उसके लिए इको करा लो, अगर शक पड़ी गया है किसी को तो इको कराओ, इको ठीक आ गया करा के काम खत्म करो, 4 हफ्ते बाद क्यों टेंशन रखनी, है ना? किसी ने कहा ना 4 हफ्ते बाद कराना है, तो आज ही कर लो, इको करके देख लो हार्ट ठीक है कि नहीं है। अब उसमें स्पॉट है नहीं है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर फंक्शनिंग ठीक है तो, उसके चारों वॉल बने हुए हैं तो ठीक है। कई बार तो दोनों वेंट्रिकल के बीच, दोनों एट्रियम जो वो होते हैं दोनों तरफ के बीच में सेप्टम होता है या छेद होता है जो कि बंद हो जाता है, ये डिलीवरी के बाद भी जैसे बच्चा सांस लेता है बंद हो जाता है, और सर्जरी भी हो जाती है, बच्चा ठीक रहता है। और तीसरी बात, अगर कोई बच्चा नहीं बचेगा तो खुद नहीं बचेगा, हम क्यों उसके लिए पहले से अबॉर्ट करा के सोचें कल को कि अरे तुमने क्यों करा दिया, इसका तो ठीक हो जाता है बाद में। तो जब तक हमें कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना, इन फाइंडिंग्स को जानने का कोई फ़ायदा नहीं। और अगर बता दिया अल्ट्रासाउंड वाले ने तो लिखना ही है जिसको जो दिख रहा है, इतनी अच्छी मशीन खरीदी है, बहुत महंगी मशीनें होती हैं आजकल, 60-60 लाख की आती है, 80-80 लाख की, 70 लाख की भी आती है। और कोई क्वेश्चन जो बार बार पूछते हैं सब? शुगर का तो है ही, मेरा इतना है इतना, जो मैंने सारी पहले 100 वीडियोस देखो उसके बाद क्वेश्चन पूछना है, मेरा भी ध्यान करा करो। एप्पला तो बता दिया मैंने, एप्पला जब तक पॉजिटिव नहीं आता रोकने की कोई दवाई नहीं देनी। ये एक बीमारी है जो कि मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक देखा है, मतलब बहुत रेयर होती है। एप्पला पॉजिटिव सबका ठीक आता है, अगर तो एस्पिरिन शुरू करनी है पहले एप्पला कराना है, हेपरिन शुरू करनी है पहले एप्पला कराना है। और ऐसा भी मैंने देखा है कि एप्पला भी करा लिया, ठीक भी आ गया, और ट्रीटमेंट फिर भी वही चालू है, वो बंद ही नहीं किया जो शुरू में। शुरू 2 अबॉर्शन हो गए, 3 अबॉर्शन हो गए, जो उसमें हार्ट बीट नहीं आई उसको तो अबॉर्शन कहना भी नहीं, वो तो केमिकल प्रेगनेंसी थी। इनफर्टिलिटी का, हम इकट्ठे नहीं रहते, मैं डब्लूगढ़ रहती हूँ, मैं आसाम रहती हूँ, मैं पटना रहती हूँ, और उसकी अगर उसको मैंने बताया LH किट खरीद लो, और जिस दिन LH किट में पॉजिटिव आता है उस दिन जाके फॉलिकल स्टडी कराओ, उससे पता चलेगा कि LH किट में जब पॉजिटिव आता है day 11 से शुरू करना है, day 11 day 12 मान लो पॉजिटिव आ गया, उसके जाके ये कराया, अब ये day 12 पे कराया, फिर day 13 पे कराया, LH किट पॉजिटिव आया तब छुट्टी बोलो। तो 2 महीने लगा रहने का, और कैप्गोलिन खा के जाओ, जैसी मेंसेस आए पहले कैप्गोलिन खाओ टैबलेट, ये ऐसी मिल जाती है अपने आप, इसको दूध सुखाने की होती है, तो जब दूध बनता है तब भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, टेंशन होती है तब भी ये कैप्गोलिन जाके प्रोलैक्टिन जाके कहता है कि भाई एग ना बनाओ अभी तो बहुत टेंशन चल रही है। तो इसलिए ये गोली चाहे 0 हो जाए इसका कोई नुकसान नहीं, हर हफ्ते हर संडे खा लो, और जब तक यूरिन टेस्ट पॉजिटिव 4 लिखते हैं तो ये नहीं 11 पिंट का टिकट कटाया नेक्स्ट डे चले गए, इन्फॉर्म किया ऑफिस में आराम से,
या हस्बैंड को बोला कि एक महीने हस्बैंड आ जाए, तो दो महीने में सिर्फ हस्बैंड की 4 दिन की छुट्टी लगी और वाइफ की 4 दिन की छुट्टी लगी। तो कुछ सैलरी बीच में संडे आ जाएगा बहुत बार, तो बस खाली बायर का खर्चा हुआ या जैसे भी ट्रेन में जाना है बस में जाना। लोग सोचते हैं नहीं इतने केसेस, ये भी कोविड में अल्ट्रासाउंड पे इतना डिपेंड करने लगे कि निगाह विटामिन डी की कमी हो गई, उससे नहीं हो रहा मेल फीमेल। अब जाके सबको पता चला, 2 साल पहले मैंने आर्टिकल डाला हुआ है पूरा WHO का, अभी मेमोरी आता है। जो AMH लोगों का इतना काम आ रहा था, मैं कहती थी AMH कराए क्यों, वो तो एक अलग बात हो गई थी, लेकिन अभी मैं आर्टिकल करके मेरा भी रिवाइज हो गया कि AMH कम हो जाता है। ये 2 साल पहले WHO की रिपोर्ट आ गई थी, इंडियन एलाइट्स में विटामिन डी की बहुत कमी है, उससे उनको शुगर होगा, उससे इनफर्टिलिटी होगी, बोन वीक होंगी, डिप्रेशन होगा, है ना, जहाँ पे बच्चा तो क्यों ही होना जहाँ पे धूप नहीं है। ना नेचर ने स्पर्म को इतना नाजुक इसलिए बनाया है कि जहाँ हमारा ऐसे बिना कपड़े के बच्चा होगा वहाँ बहुत ठंड नहीं होनी चाहिए, बहुत गर्मी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल धूप होनी भी चाहिए, है ना। एक पेशेंट ने बड़ा अच्छा बताया मुझे कल, कहते आपने कहा था एक पौधे को अंदर ला के रख लो और फिर उसकी हालत देखते जाना और अपनी कंपेयर करते जाना, जो इसकी हो रही है वही मेरी हो रही है। तो कहती मैंने सच में ला के रखा, 3rd दिन वो तो पीला हो गया, मुड़ गया, झुक गया, और उसके बाद मैंने उसको बाहर रख के जितना मर्जी पानी डाला तो डैडी हो गया, अब बढ़ ही नहीं रहा। कम से कम हमारा इतना बुरा हाल नहीं है कि हम अगर फिर से करते हैं, फिर से वापस विटामिन डी जाता है, है ना। वो छोटा पौधा होगा, वो भी अगर बड़ा पौधा होता, 1 हफ्ते भी अंदर रहता, 15 दिन भी अंदर रहता, जड़ें उसकी होती ना हमारे जैसे एडल्ट होता, तो वो भी फिर से खिल जाता, पुरानी पत्तियाँ सूख जाती, नई फिर से आ जाती। और कुछ आप लोग का क्वेश्चन? सारे लोग कहते हैं क्योंकि पहले ज़माने में लड़कियों को देते नहीं थे, जब लड़कों को कटोरी में छौंक लगाते थे, लड़कियों के में नहीं लगाते थे, पतीला भर के खाना बनता था वर्कर्स के लिए भी, जो खेतों में काम करते हैं उनके लिए भी, 20 जनों का खाना बन रहा है एक कड़छी में, आजकल एक कड़छी में 2 जनों का बन रहा है, तो घी तो हमारा जा ही रहा है, जो आपके खर्च हो रहा है घर में तो वो आप दो ही तो खा रहे हो। नहीं, इसे बादाम रोगन ले लो, कम से कम डिफरेंट तो हो, दूध में घी ऑलरेडी है और हमने वही घी और डाल दिया। मैं तो कहती हूँ लो फैट का दूध लाके, देखो डाइट चेंज होगी ना, उनको को हैंडपम्प भी लगवा दो, हाँ सुबह सुबह आटा भी ताज़ा पीस के खाना चाहिए, वो तो है ही सच में बहुत स्वाद होता है। देखो जो पीसने की गर्मी है उससे भी आटा ख़राब हो जाता है, इतनी गर्मी से भी स्वाद खराब हो जाता है। एक खराट का आटा होता है, उसमें जो पीसने वाली वो जगह होती है उस पर ठंडा पानी पड़ता रहता है कि आटा गर्म ना हो पीसने से, वो खराट के आटे का स्वाद ही अलग होता है। तो गर्मी से सिर्फ स्वाद खराब होता है, जब आप सब्जी कुक करते हो उसका स्वाद खराब होता है, अगर पहले खराब ही हो ही वो बासी तो उसका बढ़ता है, खराब चीज़ का बढ़ेगा ना, अच्छी चीज़ का खराब होगा। अगर हम ताजी भिंडी तोड़ के ऐसे खाते स्वाद है, मटर ऐसे खाते स्वाद है, छौंको, मैंने ये सब करके खुद देखा है तब बता रही हूँ आपको, मटर ऐसे खाई ठीक है, कोई नमक नहीं चाहिए, कोई घी नहीं चाहिए, उसके अंदर सब कुछ है, मटर ऑलमोस्ट मटर और मटर के पत्ते मिला के कम्प्लीट डाइट है, प्रोटीन दानों में है और उसमें विटामिन है। तो अगर बहुत अच्छे जब मटर आते हैं तो उसके छिलकों का सूप बना सकते हैं, अगर अच्छे से धो लिया आपने, एक वेजिटेबल धोने का आता भी है ना, उसमें डिप करके रखते हैं, बादाम रोगन डालो, थोड़ी महंगी चीज़ खाओ फिर खाना है तो, अगर शौक चढ़ा है उनको तो, हम तो वैसे ही बादाम खिला रहे हैं। तो सारा खाना जो भी आपको चाहिए, देखो सबके बच्चे ठीक हो रहे हैं और इतने इंटेलिजेंट इतने अच्छे हो रहे हैं, और पिछले 20 साल से यही बातें बता रही हूँ। उससे पहले हम कहते थे सोना चाहिए, आपको एक्सरसाइज रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट के बारे में लड़कियाँ जो हैं रेस्ट नहीं करती थी। अभी भी आज अगर मैं झुग्गी झोपड़ी में कहीं जाऊँगी तो यही बताऊँगी, खाना चाहिए, घी खाना चाहिए, बताऊँगी ना। तो पहले वो आम घर थे, उनकी लग्जरी पूछो, जब वो घी खाते थे कितनी लग्जरी थी उनको, सारे साल कितना मिलता था, हर साल बच्चे होते थे, उनका वेट कितना था। अब हमारे अंदर ही 40 किलो वेट है, तुम्हारे अंदर तो नहीं है, तुम तो खा लो कोई बात नहीं, तुम बेशक 4 चम्मच बादाम रोगन खा लो, लेकिन अलग डिफरेंट खाओ, वो सेम चीज़ क्यों खाओ। सारे ड्राई फ्रूट्स चाहे आप 100 ग्राम रोज खा लो तो 100 ग्राम में 50 ग्राम घी है, वो तो 5 ग्राम की बात कर रहे हैं, मैं 50 ग्राम खिला रही हूँ, लेकिन साथ में कैल्शियम, प्रोटीन, तिल के खाओ, तिल होता है ना,
उसमें तो पूरा कैल्शियम ही कैल्शियम होता है, वो पूरा मतलब अगर 100 ग्राम तिल है तो 100 मिलीग्राम कैल्शियम है उसमें। 100 ग्राम तिल अगर तुमने खा नहीं सकते, पेट भर जाता है उनसे, तो फुलका छोड़ दो, ये चीज़ें खा लो। फुलका भी खाया, ये खाया ही नहीं जाएगा, फिर एसिडिटी होगी। कल 3 पेशेंट आए जिनको लूज मोशन, वॉमिटिंग, एसिडिटी हो रही है। ये बरसात के मौसम में बाहर का खाते हैं, बीमार पड़ते हैं, बड़ा महंगा काम है। वहाँ पे तो आप 400 खर्च करते हो, हॉस्पिटल जाके 4000 देने पड़ते हैं। ठीक है, जो चीज़ खाना है घर में बना के खा लो। चलो बाय कर दो, बहुत हो गया। बाकी ना एक्सरसाइज हमने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छी, और अब मैं मेमोरी शेयर कर रही हूँ, दिखाना मेमोरी वाला क्या है, मेमोरी शेयर करती हूँ। जो इसी डेट को 27 तारीख को पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल जो क्लासेस हुई हैं वो शेयर कर देती हूँ, मेमोरी में आने लगा। पहले मुझे पता नहीं था मेमोरी देख के मैं ऐसे शेयर कर सकती हूँ, और जो मैंने पहले की है ना उसमें मैंने बहुत फंडामेंटल बातें बताई हैं। ये 2017 की है, जैसे अगस्त इसी डेट की होगी, ये 2022 की है, उसमें देख के कि रेपिटेशन ज़्यादा ना हो, ये 22 की है। हाँ, ये 27 तारीख की 2022 की है, 2-3 फीट। पिछले साल तो कोविड में ज़्यादा बनाई ना बहुत। ये 17 की भी है। अब ये 17 वाली में जो मैंने बातें जितनी अच्छे से बताई होंगी ना, आज तो मैं बताती नहीं, मुझे ऐसा लगता सबको पता है। 5 साल पहले 6 साल पहले जब बता रही थी तो ऐसा लग रहा था, लाइव शुरू हुआ था ना, तो भाई सब चीज़ें अच्छे से फंडामेंटली ड्राइंग बना के और नीचे अच्छे से बताती थी, तो वो देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो ड्राइंग बना के, और थैंक यू एवरीवन। अरे एक गाना सुना दो, कोई सुनाओ, बच्चा सुनता है, मैंने तो वो वाला सीखा है। तू इस तरह मेरी ज़िंदगी में शामिल है, हर हफ्ते एक गाना सीखती हूँ, और पूरा इतना अच्छा टाइम पास होता है, तभी तो वेट कर पाती हूँ डिलीवरी की। मेरा तो टाइम वेस्ट हो ही नहीं रहा, मैं तो अपना गाना सीख रही हूँ। मेरे डांस टीचर आते हैं और म्यूज़िक टीचर आते हैं, और फिर वो होमवर्क दे जाते हैं, तो तुम्हारी डिलीवरी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं हो गई तो कल सुबह, और रात को अपने आप पेन कम हो जाते हैं। नेचर इतनी स्मार्ट है, हम शाम से ही क्या करते हैं, मतलब बढ़ाने के पेशेंट बता रहे हैं कि मेरे बढ़ाने लगे थे, मैंने कहा क्यों बढ़ा रहे हैं, अपने आप बढ़ जाएंगे, ये नॉलेज हो गई ना। तो नहीं तो पेशेंट उल्टा कहते थे डॉक्टर कुछ कर ही नहीं रही है। मेरे हस्बैंड सुन लेते थे फ़ोन पे, कहते देखो तुम्हारे पेशेंट कह रहे हैं कि डॉक्टर तो कुछ नहीं कर रही है। उनके कुछ करना ही नहीं होता, डिलीवरी अपने आप होती है, जब हो रही है उस वक्त खड़े रहना होता है, ब्लड अरेंज करना होता है, सारे देखना होता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन की उम्मीद तो नहीं है, और बिना उम्मीद के भी हो जाएगी, हमें नहीं पता किसके हो जाएगी कॉम्प्लिकेशन। तो हमें सारा सामान रेडी करके जस्ट खड़े रहना होता है, बेबी अपने आप आता है, पुश भी नहीं करना, आप नहीं चाहो तो भी आएगा। कई बार होता है ना कि डॉक्टर नहीं आया, भी रुक जाओ, स्टाफ नर्सेज हॉस्पिटल्स वगैरह में कहती हैं, हम लोग तो खड़े ही रहते हैं, हम कम से कम 10 जने अंदर होते हैं। किस लिए कि कुछ भी हो जाए तो हाथ होने चाहिए। तो 2 ट्रेंड सिस्टर होती हैं, हम डॉक्टर्स होते हैं 3, एक बच्चे के डॉक्टर होते हैं, मैं होती हूँ, कई बार बेहोशी के डॉक्टर होते हैं जो एपिड्यूरल लगाने आते हैं, फिर 4 नर्सेज पुरानी वाली होती हैं, 4 नई जो सीख रही हैं अभी इसकी, उनको ट्रेन करना है, और हाथ चाहिए होते हैं ना पकड़ने के लिए। तो इतने लोग क्यों खड़े रहते हैं, अगर कुछ होनी 100 में से एक के होनी है उसके लिए। ये है बस ऑब्स्टेट्रिशियन का काम, कि कुछ जो घर में जो उसके बिना जो हो जाता वो नहीं होने देना, लेकिन जो उसके बिना हो रहा है उसमें नहीं कुछ करना। बच्चा अपने आप पढ़ रहा है, उसका होमवर्क लाओ मैं कर देता हूँ, कोई करता है पेरेंट्स, कर देते पेरेंट्स उनको याद भी नहीं दिलाना तुमने होमवर्क करना है बच्चों को, जब बड़े होंगे तो एक दिन डांट पड़ेगी, अगले दिन अपने आप करेंगे, नहीं तो रोज़ उसका अपना काम बढ़ाया हुआ है। अभी एक सेकेंड बेबी में क्या करते हैं, 2 साल के बच्चे को स्कूल जाना है, उसके लिए वो सुबह अलार्म से उठ रही है, मैंने कहा क्यों उठ रहे हो, 4 साल का बेबी, उसने स्कूल जाना होता है, रात को नींद नहीं आती, सुबह उसके लिए उठना है, नींद पूरी करनी है, 4 साल वाले को स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे की पढ़ाई को इतना बड़ा इशू बनाया और सारी ज़िंदगी उसमें लगाने को तैयार है। जितने बच्चे 6 तक टॉप करते हैं, 8 तक कर लेते हैं, उसके बाद आप नहीं पढ़ा पाते हैं, वो सब 9th में पीछे जाते हैं, और जितने 9th 8th तक जिनकी मम्मियाँ नहीं पढ़ा सकती होती हैं और फिर भी वो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो सब आगे निकल जाते हैं। तो इतनी हेल्प नहीं करनी बच्चे की,
जितनी उसको ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पेशेंट की हमें गायनेकोलॉजिस्ट को उतनी हेल्प नहीं करनी जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, उसको सुला के रखना बल्कि, ताकि वो थक ना जाए। रात लगने में ये है कि आप 24 घंटे से अगर सोए नहीं हो तो जब एक्चुअल डिलीवरी होने वाली होगी एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, दिमाग चलना बंद हो जाएगा, मेरा सिजेरियन कर दो, खुद ही चिल्लाने शुरू करते हैं। तो हमें लग रहा है कि आज शाम तक लगा कि आज तो नहीं होगी इसको, तो बजाय बढ़ाने के उसको मैं ट्रेमाडोल पेरिनॉम लगा देती हूँ कि ये सो जाए, अभी सो जाए। रात को मान लो 2 बजे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नेचर के हिसाब से तो सुबह 3 बजे शुरू हो गई, तो पेन शुरू होते 3 बजे, आपने 12-1 बजे तक रौनक ही लगी रही कमरे में, सोए नहीं, तो बजाय उसके आपको 7 बजे से 12 बजे तक सुला देते हैं। वो इंजेक्शन का असर 2 ही घंटे रहता है, 2 घंटे बाद 2 घंटे भी अच्छे से नींद ले ली, या एपिड्यूरल लगवा देते हैं 9-10 बजे, देखा कि ये तो सोएगी नहीं ऐसे हल्के हल्के डिस्कम्फर्ट में, इतने इंटेलिजेंट है आजकल, फीटल हार्ट खुद ही देखते रहते हैं, मैं तो मॉनिटर ही देखती रही, मैं सोई नहीं, मतलब रोज़ की नई कहानी है। मैं सोचती हूँ बातें ख़त्म हो जाएंगी, ख़त्म ही नहीं होती। फिर से थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। ये हमारा स्टाफ, इनकी हेल्प के बिना तो मैं अकेले ना थक जाती थी, गुस्सा आ जाता था पहले, अब ये सब इतने ट्रेंड हो गए हैं, कोई भी जवाब दे आपको 4 बजे कॉल करो, ये सब या तो सही देंगे या नहीं देंगे, बोल देंगे कि आप ना अपॉइंटमेंट बुक करा लो, मतलब जो इतनी आसान बात है, सिंपल है ना, जो सबके लिए लागू होती है, बच्चा सीधा है, उल्टा है, घूम रहा है, नीचे है, यूरिन पास करके देख लो दर्द है, तो ये सब बता देंगे। जो ये नहीं बता पाएंगे उसके लिए प्रॉपर सारी रिपोर्टें देख के कंसल्टेशन की ज़रूरत है, फिर अपॉइंटमेंट बुक कराओ, 4 बजे कॉल करो, उस वक्त सब जने 6 जने फ़ोन पे सारे फ़ोन लेके बैठे होते हैं, स्पेशली एक पूजा मैम भी आते हैं, उनका काम ही मिस कॉल सुनना है, तो इसलिए फ़ोन की घंटी बजाते नहीं जाना, मिस कॉल दे के छोड़ दो, तो जितने रेड कलर के आएंगे ना मिस कॉल, उन्होंने सबको कॉल बैक करना है, अगर किसी ने उठा लिया फिर वो नहीं करेंगे। ऑनलाइन व्यूअर्स को बता दें।